भंडारा जिले में कोरोना प्रभावित एक भी मरीज लॉकडाउन के पहले चरण में नहीं पाया गया, इसलिए रास्तों पर वाहनों की संख्या औसत ही रही। लॉकडाउन के तीसरे चरण खत्म होने के दो दिन पहले से ही रास्तों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में पहले जैसी ही दिखने लगी थी। कोरोना के फैलाव का खतरा अभी भी टला नहीं है, ऐसे में रास्तों पर ज्यादा संख्या में दौड़ते वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग भी की जा रही है। राज्य के अन्य जिलों की तुलना में भी जिले के लोगों को कोरोना की तालाबंदी के काल में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, किंतु दूसरे चरण की तालाबंदी के अंतिम दिनों में भंडारा जिले में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से लोगों में इस बात को लेकर भय व्याप्त होने लगा था कि कहीं भंडारा में भी नागपुर की तरह कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या ना बढ़ जाए। किंतु तालाबंदी के तीसरे चरण के समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही भंडारा फिर ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में ही बना रहा। तालाबंदी के तीसरे चरण के समाप्त होने के एक दिन पहले भंडारा शहर के रास्तों पर जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ी, उससे इस बात का पता चलता है कि भंडारा के लोगों को अब कोरोना का भय नहीं रह गया है। प्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।